हर मानवतावादी एक्स मुस्लिम के साथ है। मैं तो चाहता हूँ कि जो मोमिन हजरात है वो भी हमारे साथ आ जाए। जी जी बिल्कुल, बस हमें मारने का नहीं सोचे। नहीं, इनविटेशन हमारी तरफ से है, बस वाजिबुल कत्ल की ना सोचे। वाजिबुल कत्ल की ना सोचे तो मूछों को ताव नहीं देना था ना बकरे। ओ बकरे, वो बकरे दूसरा खचवाला का नाम लिया जा सकता है कि जनाब उसने अरबी के अंदर सूरत लिख दी या उसको अरबी आती है। तो जिस किसी सनातनी को या इस्लामोफोब को उसका नाम जहन में आ रहा हो मेरी इस बात के ऊपर कि नहीं आमिर साहब आपको नहीं पता खचवाला तो बड़ा अरबिक प्रोफेसर है, तो वो मुफ्ती यासर वाइदी साहब के साथ उसकी डिबेट देख ले मुकदमे के, उसकी किताब के, वो उसको ऊपर से देख के पढ़ नहीं पाया था और ना उसकी ट्रांसलेट कर पाया था। हड्डियां तोड़ दी थी उसने उस इबारत की, उस टेक्स्ट की। वो डिबेट पड़ी हुई है, मुफ्ती साहब के चैनल पर जाके देख ले। इसका तर्जुमा तो कर दीजिए। तो ठीक है, तर्जुमा मैं कर दूंगा, उससे क्या साबित होगा? समझो जब होगा तब होगा, फिलहाल तर्जुमा तो कीजिए इसका। वला यस्ततीउ अन यदाहु हैतु वदाअहु अल्लाहु मिन अश-शहर वस-सना। जी अब आप ये कहने के जो है वो इस्तेताअत नहीं रखता कि वो रखे जिस जगह रखा गया है अल्लाह को महीने में या साल में। सजवाला जी आपने टांग तोड़ दी इसकी, रुकिए मैं तर्जुमा कर देता हूँ उसका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि आमिर भाई ने कैसे उन एक्स मुस्लिम और सनातनी को एक्सपोज किया है जो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं, और ये लोग एक्स मुस्लिम को बढ़ावा देने का भी दावा कर रहे हैं। तो इन लोगों को आमिर भाई ने जबरदस्त तरीके से धोया है, और इस वीडियो में आपको कोई भी हेडफोन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसी गाली गलौच वाली वीडियो नहीं दिखाने वाली। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप आमिर भाई के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में आमिर भाई ने सचवाला को भी एक्सपोज किया है जिसने अरबी ऐसी पढ़ी है जिसको सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो नॉलेजफुल होने के साथ भी इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है कि फिर वो एक्स मुस्लिम्स चाहिए तो ये था कि हिंदुइज्म पर भी वैसे ही एक्टिव होते, चाहिए तो ये था कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी उसी तरीके से तनकीद होती, चाहिए तो ये था कि इस्लाम के ऊपर तो तनकीद आप कर रहे हो मगर इन दूसरे मतों का खंडन या उन पर कड़ी निंदा आप लोगों की तरफ से नहीं आ रही। खास तौर पर जो देसी एक्स मुस्लिम मूवमेंट खुद का क्लेम करते हैं इनके बारे में ये चीज बड़ी आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इसको फील कर सकते हैं। अब यहां से एक सिंसेयर सनातनी, सिंसेयर क्रिश्चियन, सिंसेयर मुस्लिम, सिंसेयर एथियस्ट, सिंसेयर एग्नोस्टिक या वट एवर जो भी पूरी लॉयल्टी और सिंसेरिटी के साथ वो मत या विचार रखता है, अब उसके सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ऑन द वॉल है। जो डेड एंड आया वो एक रोड पे जा रहा था, सामने डेड एंड पर उसको एक क्वेश्चन मार्क नजर आया। वो क्वेश्चन मार्क ये है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्यों टांगे और पांव जोड़कर और डिटोल से मुंह हाथ धो के इस्लाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अब तवज्जो करनी है भाई। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसा शख्स हूं जो ए पॉलिटिकल है। ए पॉलिटिकल का मतलब है मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरी नजर के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ही लाइन में खड़ी हैं और पॉलिटिक्स के तमाम इज़म्स एक ही लाइन में खड़े हैं और मैं सब पर बराबरी की सतह पर तनकीद करता हूं। दैट्स कॉल्ड ए पॉलिटिकल और न्यूट्रल, जिसको आप कहते हैं आसान लफ्जों में। अब मैं उस हिंदू से पूछना चाहता हूं जो रिफॉर्म्स की बात करता है, या उस इस्लामोफोब से पूछना चाहता हूं जो इंसानियत की बात करता है, और उस नॉन मुस्लिम से पूछना चाहता हूं जो न्याय और जस्टिस और अदल की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से मोटिव्स हैं, ऐसे कौन से मुहर्रकात हैं, ऐसे कौन से वो जनाब उसूल हैं, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर ये खुद को एक्स मुस्लिम्स कहने वाले। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि सही हैं या गलत, यानी फेक हैं या रियल, ये बात नहीं कर रहा। अभी सिर्फ इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको जरा सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है कि वो एक्स मुस्लिम्स सिर्फ और सिर्फ पूरा जोर इस्लाम के खिलाफ लगाने पर लगे हुए हैं।
ये सोचने की बात है, ये फूड फॉर थॉट है हमारे नौजवानों के लिए। अच्छा, मैंने जब इस चीज पे गौर किया तो मुझे दो रीजंस के अलावा या दो मोटिव्स के अलावा कोई तीसरा नजर नहीं आया। कोई पॉसिबल तीसरा हो वो आप बताएंगे, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। दो, दो के अलावा मुझे तीसरा मुझे नहीं पता चला, आप बता दीजिएगा। नंबर वन, जब ये लोग एक्स मुस्लिम नाम के साथ अपने लगाते हैं तो इनको पता होता है, ये प्लान का हिस्सा होता है, या इनको मार्केट वर्थ और वैल्यू का पता होता है कि जिस एरिया में हिंदी और उर्दू बोलने वालों में, जिन लोगों में ये अपने आप को बेचने लगे हैं, अपना सौदा करने लगे हैं, वहां इस्लाम के खिलाफ बोलना एक ट्रेंड और एक बिजनेस है। अब इनकी नजर में इनको पता होता है कि हिंदुइज्म की वर्थ और वैल्यू नील बटा इज इक्वल टू, अपना नील बटा सन्नाटा इज इक्वल टू ठोस पटाका, ये है। क्रिश्चियनिटी को लोग धुतकार चुके हुए हैं, तो इनको पता है कि अगर सोसाइटी के अंदर आपने अपने आप को रेलेवेंट रखना है, सोसाइटी के अंदर अगर आपने अपने आप को जो है ना वो अट्रैक्शन का मरकज बनाना है, सोसाइटी के अंदर अगर आपको लाइमलाइट चाहिए, सोसाइटी के अंदर अगर आपको फेम चाहिए, सोसाइटी के अंदर अगर आपको पैसा चाहिए, सोसाइटी के अंदर अगर आपको कॉन्टिन्यूस फंडिंग चाहिए, सोसाइटी के अंदर अगर आपको बड़े बड़े मंच चाहिए, सोसाइटी के अंदर अगर आपको नेशनल टीवी पर स्क्रीन चाहिए, सोसाइटी पे अगर आपको जनाब पॉलिटिकल जो हिंदुत्ववादी हैं उनका सपोर्ट चाहिए, तो फिर आप एक ही आइडियोलॉजी है केवल, उसके खिलाफ बात करें। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत, जब मैंने बड़ा गौर किया, अब तवज्जो चाहिए मुझे यहां पर मुझे जो एक्स मुस्लिम सुन रहे हैं और इसी तरीके से नॉन मुस्लिम्स या हिंदू या इस्लामोफोब सुन रहे हैं, मुझे उनकी तवज्जो ज्यादा चाहिए, इसलिए वो जरा कान लगा के सुने जब मैं बोलने लगा। दूसरी बड़ी गौर करने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा वो ये था कि चूंकि ये लोग इस्लाम छोड़कर आए थे, लिहाजा इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोलना ही अपना मिशन बनाया, क्योंकि इनके बकौल ये इस्लाम के डसे हुए थे। ऐसे ही है ना जी, और बोलो ना सनातनी भाई, और बोलो ना एक्स मुस्लिम, यही है ना जी, यही है। दूसरी सूरत यही है, तीसरी मुझे नजर नहीं आती। तो दूसरी सूरत जो मैंने जिस नतीजे पर पहुंचा वो ये निकली कि चूंकि ये इस्लामिक परिवार से ताल्लुक रखते थे, इस्लामिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, तो इनको सबसे ज्यादा इनके बकौल अकॉर्डिंग टू देम जो नुकसान पहुंचा है या जो डंट पहुंचा है या जो डैमेज पहुंचा है वो इस्लाम की तरफ से पहुंचा है इनके बकौल, या मुसलमानों की तरफ से, लिहाजा उनके खिलाफ ये बोलते हैं। ये है दूसरी चीज। अब अगर हम पहली चीज को, जिसके बड़ी तादाद में शवाहिद मौजूद हैं, स्किप कर दें और इस चीज को मानकर चलें कि स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं कि ये लोग चूंकि इस्लामिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं या मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा इन्होंने जनाब इस रस्ते को इख्तियार किया कि हमने इस्लाम के खिलाफ बोलना है, ये दूसरी चीज आई। तो इसके आगे दो रस्ते निकलते हैं। वो दो रस्ते क्या हैं? नंबर एक, इस मामले के अंदर ये तासुब का शिकार हैं, बायस्ड हैं, इमोशनली ट्रिगर्ड हैं, साइकोलॉजिकली ड्रिवन हैं, अग्रेसिव हैं, हाइपर हैं, ओवर सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं। ये सारी चीजें इनके मिजाज के अंदर आ गई। अब ये जो रास्ता है ये फिर इन जैसे एक्स मुस्लिम्स को मेंटली डिस्टेबल करता है और इनके अंदर ऐसी फ्रस्ट्रेशन, ऐसा एग्रेशन और ऐसे इमोशंस पैदा करता है जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नेगेटिविटी को जन्म देते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्न नाउ। अब मेरी तरफ तवज्जो रखनी है, ये याद रखना है। हमने देखा है किसी फैमिली के साथ अगर पुलिस वालों ने गलत किया हो, सो ऑल द टाइम अपनी जिंदगी के बेशतर हिस्से के अंदर वो पुलिस वालों के बारे में एक अच्छी इमेज नहीं रखता। अब अगर किसी एक्स मुस्लिम के साथ किसी मुसलमान परिवार ने या किसी मुस्लिम बंदे ने गलत किया है,
तो वो बंदा इस्लाम के बारे में और मुस्लिम समाज के बारे में एक्सट्रीमली नेगेटिव चला जाता है, यानी वो अनबायस नहीं है, वो स्टेबल नहीं है मेंटली, क्योंकि उसको ट्रॉमा और ट्रेजेडी से गुजरा है। लिहाजा होता क्या है, ऐसा शख्स समाज की हानि का कारण बनता है, हाँ कल्याणकारी का नहीं, क्योंकि वो अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से, क्योंकि अपनी इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती, तो अपने भाव से वो प्रभावित होता हुआ मनफी सोच रखता है, नेगेटिव सोच रखता है। ये नेगेटिव सोच उसको बाज दफा, ये मैं बड़ा बड़ा ईमानदारी के साथ, बड़ी ऑनेस्टी के साथ बैलेंस्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इस वक्त इस्लामोफोब्स गौर से सुने, तो बाजोकात वो शख्स सच और झूठ में फर्क करना छोड़ देता है, क्योंकि वो अपनी उस नेगेटिव एनर्जी से जो उसके ऊपर हमलावर होती है, उसके पास ट्रॉमा और ट्रेजेडीज की वजह से, वो बाजोकात झूठ का सहारा लेना शुरू करता है। अब ये रास्ता अगला जो दायां मोड़ मुड़ता है, उस मोड़ पर ये जन्म देता है कई ऐसी झूठी बातों को जो इस्लाम में सिरे से थी ही नहीं, मगर उनको सिर्फ इसलिए सामने रखा गया कि अपने अंदर के उस ग्रज को, अपने अंदर के उस शैतान को सुकून देना मकसद था, सेटिस्फाई करना मकसद था, काम डाउन करना मकसद था, लिहाजा वो इस रास्ते को चुनता है। और यही वो मोड़ है जिस मोड़ पर फिर एक्स मुस्लिम कई फेक एक्स मुस्लिम्स को जन्म देने से भी कतराता नहीं है, क्योंकि इस्लाम को बदनाम करना और मुस्लिम समाज के प्रति क्रोध और अहंकार पैदा, नफरत पैदा करना नॉन मुस्लिम्स के अंदर, ये उसका जीवन का लक्ष्य ठहरता है, ये वो बेस है। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता, अब इसको भी गौर से सुन लें, ये वो दो रास्ते हैं जब उसने ये चूज किया कि उसका मुस्लिम बैकग्राउंड है, लिहाजा उसने ये फैसला किया है। तो पहले वाला तो आउट हो चुका है, क्योंकि हम उस पर ऑब्वियस हैं, उस पर कई स्ट्रीम्स कर दी हैं जिनसे देखनी है जाके देख ले। अब मैं कंक्लूड करने लगा हूं। दूसरा रास्ता ये निकलता है, नहीं आमिर साहब आपकी ये असेसमेंट गलत है, जरूरी नहीं है कि वो प्रभावित हों अपनी मनफी सोच से, या वो मेंटली स्टेबल ना हो, या अपने ट्रामा की वजह से या ट्रेजेडी की वजह से वो डिस्टेबल हो चुके हों, जरूरी नहीं है। तो फिर एक रास्ता बनता है कि वो ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, राइट, को दूसरा रास्ता तो नहीं बनता ना, एक ही रास्ता बनता है आखिर में कि वो ऑनेस्ट हैं और सिंसियर हैं। अब इस रास्ते के ऊपर भी दो चीजें होनी चाहिए, दो से खाली नहीं है। नंबर वन, इन लोगों को फिर ऑनेस्टी के साथ मुस्लिम समाज और इस्लामिक विचारधारा में अंतर पैदा करना होगा। जब जब कोई एक्स मुस्लिम मुस्लिम समाज को लिंक करे इस्लामी तालीमात के साथ, या किसी मुस्लिम व्यक्तिगत फर्द को, इंडिविजुअल को लिंक करना शुरू कर दे इस्लाम की तालीम के साथ, तो हमें समझ आ जानी चाहिए एक आम इंसान को कि यहां ये बंदा पॉजिटिव से नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये अब पटरी से उतर गया। एक तो ये चीज। दूसरी चीज इसी पॉइंट के अंदर कि एक्स मुस्लिम्स में इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हुए आपको एकेडमिक बिहेवियर नजर आना चाहिए जो कि लैक करता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम का जो लिटरेचर है उसकी जो लैंग्वेज है वो अरबिक है। इनमें से जितने बड़े बड़े चैंपियन सामने आए हैं, कोई एक भी शख्स नहीं है कि जिसको अरबिक ग्रामर बेसिक आती हो, या वो कुरान को ऊपर से देख के अरबी में पढ़कर उसकी ग्रामेटिकली उस पर बात कर सकता हो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये एक्सपर्ट्स के तौर पर एक्स मुस्लिम एक मूवमेंट के तौर पर सामने आएगी तो ऐसे एक्सपर्ट्स का होना जरूरी है। अच्छा, अब यहां पर दो नाम लिए जा सकते हैं, एक जाहिल का और एक खच वाला का। जाहिल को अरबिक ग्रामर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो कुरान पढ़ता है जो आमतौर पर तलावत करता है, जो पांचवें और छठे साल के अंदर बच्चे नादरे के अंदर कुरान पढ़ते हैं। सो मैं वो बात नहीं कर रहा कि ऊपर से देख के तजवीद अच्छी पढ़ लेना। दूसरा खच वाला का नाम लिया जा सकता है कि जनाब उसने अरबी के अंदर सूरत लिख दी या उसको अरबी आती है। तो जिस किसी सनातनी को या इस्लामोफोब को उसका नाम जहन में आ रहा हो मेरी इस बात के ऊपर कि नहीं आमिर साहब आपको नहीं पता खच वाला तो बड़ा अरबिक प्रोफेसर है, तो वो मुफ्ती यासर वाइदी साहब के साथ उसकी डिबेट देख ले। ताहा हुसैन का सामने एक
रखा गया था, दो पेजेस रखे गए थे उसके मुकदमे के, उसकी किताब के, वो उसको ऊपर से देख के पढ़ नहीं पाया था और ना उसकी ट्रांसलेट कर पाया था। हड्डियां तोड़ दी थी उसने उस इबारत की, उस टेक्स्ट की। वो डिबेट पड़ी हुई है, मुफ्ती साहब के चैनल पे जाके देख ले। सामने एक किताब खुली हुई है, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? अरबी तो आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जानते हैं, थोड़ा सा पढ़िए जरा सा। नहीं सुनिए मेरी बात कि नहीं, आप नहीं, ये जो कुछ कह रहे हैं, अरे आप मेरी बात का आप मेरे साथ चलिए ना, थोड़ा सा पढ़िए इसको, सामने अरबी में है ना, पढ़िए जरा सा। ठीक है ला यज़कुरु लिहादा अल-यौम इस्मन वला यस्तति'उ अन यदाअहु हैसु वदाअहु अल्लाह मिन अश-शहरि वस-सना जी بل لا يستطيع ان يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه وانما يقرب ذلك تقريبا। इसका ترجمہ بھی کر دیجئے عوام کے لیے, میں تو سمجھ گیا آپ بھی سمجھ گئے, عوام کے لیے ترجمہ کر دیجئے۔ نہیں ٹھیک ہے, یہ آپ یہ کہہ کر یہ دیکھیں ہم سچ والا جی, سچ والا جی ان يذكر من هذا, سب لوگ سچ والا جی ایک منٹ ان يذكر من هذا سے آگے, ان يذكر من هذا سے آگے آپ پڑھیے, اس کو عبارت لگا کے پڑھیے, آپ نے اليوم پہ عبارت نہیں لگائی۔ نہیں ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں, آپ جو ہے سچ والا جی اس کا ترجمہ کر دیں, ساتھی سب کو سمجھ میں آ جائے نا۔ نہیں ترجمہ تو کر دوں گا محترم, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں متکلم ہے, آپ یہ ثابت کیجئے, میں کہنا چاہ رہا ہوں, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, کیونکہ آپ اس کو کلام اللہ کہہ رہے ہیں نا, کلام اللہ کہہ رہے ہیں نا۔ ارے آپ اس کا جواب تو دیجئے, اس کا ترجمہ تو کر دیجئے۔ تو ٹھیک ہے ترجمہ میں کر دوں گا, اس سے کیا ثابت ہوگا سمجھنا, جب ہوگا تب ہوگا, فی الحال ترجمہ تو کیجئے اس کا۔ دیکھیے لا يذكر لهذا اليوم اسما, لا يذكر لهذا اليوم اسما, یعنی اس طرح سے آج کے دن کوئی اسم, کوئی نام اس کا ذکر نہیں ہوا یا ذکر نہیں کیا جاتا۔ چھوڑیے آپ چھوڑیے سجوالا جی, میں مجھے کرنے دیجیے۔ بلا یستطیع ان یضعہ حیث وضعہ, مفتی صاحب ان کو کرنے دیں, اس عبارت کا ترجمہ کرنے دیجیے, گزارش آپ سے۔ ٹھیک ہے چلیے کیجیے۔ بلا یستطیع ان یضعہ حیث وضعہ اللہ من الشہر والسنہ, جی اب آپ یہ کہنے کہ جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ رکھے جس جگہ رکھا گیا ہے اللہ کو مہینے میں یا سال میں۔ سجوالا جی آپ نے ٹانگ توڑ دی اس کی, رکیے میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا۔ لا یذکر لہذا الیوم اسما, اس کو اس دن کا کوئی نام یاد نہیں ہے, نہیں وہ اس دن کو اس مہینے یا سال میں رکھ سکتا ہے جہاں اللہ نے اس دن کو رکھا تھا۔ بل لا یستطیع ان یذکر من ھذا الیوم وقتا بعینہ, نہیں وہ اس دن کا متعینہ وقت جان سکتا ہے۔ وانما یقرب ذلک تقریبا, اس کو ہلکا ہلکا یاد ہے۔ واکبر ظنہ ان ھذا الوقت کان یقع من ذلک الیوم فی فجری, اس کا غالب گمان یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے اس دن کے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کا تھا۔ یہ تھرڈ پرسن ہے نا, آپ اس کو مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ نے تھرڈ پرسن مان لیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتاب جو ہے عربی زبان کے سب سے بڑے ادیب ہمارے دور کے الایام طہا حسین اور یہ آٹو بایوگرافی ہے۔ آٹو بایوگرافی میں شروع سے لے کر آخر تک کے پوری کتاب میں طہا حسین نے اپنے لیے فرسٹ پرسن کا استعمال نہیں کیا, پوری کتاب میں تھرڈ پرسن استعمال کیا ہے۔ دنیا میں کوئی مائی کلال یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب طہا حسین کی نہیں ہے۔ اچھا ہم یہ کہہ بھی تو نہیں رہے نا۔ ہاں بھائی وہ 5 کروڑ کدھر گئے 5 کروڑ, ये पार्टी किधर गई है? ये वाली। दोस्तों असल में एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मोमिनों को, कि अब एक्स मुस्लिम और सनातनी भाई भाई है, बल्कि सनातनी नहीं स्वामी जी, बल्कि सारे लोग हर मानवतावादी एक्स मुस्लिम के साथ है, और یہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ جو مومن حضرات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے۔ جی جی بالکل, بس ہمیں مارنے کا نہیں سوچے۔ نہیں انویٹیشن ہماری طرف سے ہے, بس واجب القتل کی نہ سوچے۔ واجب القتل کی نہ سوچے تو مونچھوں کو تاؤ نہیں دینا تھا نا بکرے تو مونچھوں کو تاؤ نہیں دینا تھا نا پھر جی اچھے نہ تلیں تو ویتھے نہ تلیں کیسے کلیں, دد ہوتی ہے اوئی ہوتی ہے اوئی نہیں سی لانی سوئی ہوں مارو۔ یہ کدھر گئے ہیں جی؟ سن لو ذرا
ये किधर गए हैं 5 करोड़ स्क्रीन पे। तो स्वामी जी सनातनियों को खास करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज जिन परिस्थितियों में एक्स मुस्लिम मूवमेंट उभर रहा है तो ये उसी प्रकार से है, ये एक ऐसे बीज हैं जो आने वाले समय में एक वट वृक्ष बनेंगे और उस कातिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस जाहिलों की टोली को नष्ट कर देंगे, उस विचारधारा को खत्म कर देंगे जो विचारधारा मानवता विरोधी है। तो हमें एक्स मुस्लिमों का साथ देना चाहिए और मैं एक्स मुस्लिमों को, जो भारत के हमारे सबसे बड़े लीडर हैं एक्स मुस्लिम साहिल जी, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से इस मूवमेंट को साथ दें, बिना कोई शक किए, बिना कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए, हमें इनका साथ देना चाहिए। यह कम्युनिटी इस समय पर बहुत छोटी है, लेकिन हमारा और कई सारे और अन्य संस्थाओं के आंकड़े हैं कि लगभग अगर एक्स मुस्लिमों का हमने साथ दिया तो 2024 और 25 में इनकी संख्या 50 करोड़ हो जाएगी, अभी 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो 50 करोड़ एक्स मुस्लिमों का साथ देने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए और ऐसे सभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लीडरों का हमें साथ देना है। हमारे भारत के सबसे बड़े एक्स मुस्लिम के लीडर साहिल जी, तो इनका हम पूरी तरीके से साथ दें, पूरी कम्युनिटी का साथ दें और इस कम्युनिटी को भारत सरकार भी जल्दी मोहर लगा करके विशेष सिक्योरिटी देगी। बहुत बहुत आभार साहिल जी आपका, बहुत बहुत आभार। ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है, हाँ, और ना गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर कोई नियम बनाया है कि ख्वाब देखने पर को पाबंदी है। ख्वाब तो कुत्तों को भी आते हैं। तो देखो स्वामी साहब, देखो ख्वाब, कहते हैं जी एक दिन इस विचारधारा को नष्ट करके, ओ जाने दे बकरे, वो बकरे तुझे ना टांग के, तो छोड़ दे बस वो बकरे। कहता जी इस विचारधारा को खत्म कर देंगे, हो तेरे बड़े आए बड़े चले गए, उनको ऐसा ठंडा किया है हमने, उनकी अकड़ को, उनके सरिये तोड़े हैं गर्दनों के, तू क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन सनातनियों और इस्लामोफोब्स के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं तो आप ईमान यूनियन टीम को सपोर्ट करें, उनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलेंगे हम अगले ऐसी वीडियो के साथ, तब तक लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज।